महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन सोमवार को भी विकास भवन में जारी रहा। बता दें कि पेंशन बहाली और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर कार्यकर्तियों का प्रदर्शन बीते कई दिनों से जारी है। बीते कई दिनों से निरंतर चल रहे धरना प्रदर्शन में सोमवार को मुख्य विकास अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी आगरा को आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने ज्ञापन सौंपा। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश जिला अध्यक्ष मंजू बाला ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में आंगनबाड़ी कर्मचारियों व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी, जो कि अब तक अमल में नहीं लाई गई है। उन्होंने यह भी बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवा समाप्ति का पेंशन आदि संबंधित मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये धरना इसलिए दिया जा रहा है कि सत्ता में आने से पहले सरकार ने हमसे वायदा किया था, घोषणा पत्र में भी लिखा था कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको सम्मानित मानदेय और शासकीय कर्मचारी का दर्जा देंगे। 120 दिन के अंदर हम अपना वायदा पूरा करेंगे, लेकिन सरकार ने 120 दिन के अंदर वायदा पूरा नहीं किया। हमने जब आंदोलन किए तो आंदोलन में भी उन्होंने आश्वासन दिया कि आपको 10,000 मानदेय दिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने 18 में 23 फरवरी को 1500 रुपये बढ़ाने की घोषणा की थी वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन वो 2 साल से 1500 रुपये हमें आज तक प्राप्त नहीं हुए। और हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो 62 साल की हो चुकी हैं, उन्हें बिना किसी बीमा फंड पेंशन के ही खाली हाथ रिटायर कर दिया, जबकि ये सरकार हमसे 14 योजनाओं को क्रियान्वित कराती है, हमारी योजना से अलग अन्य विभागों के भी कार्य हमसे लेती है, इसके बावजूद भी हमें सम्मानजनक मानदेय नहीं दिया जा रहा है। या तो सरकार हमें राजकर्मचारी का दर्जा दे या सरकारी राजकर्मचारी का काम हमसे न ले। इसके बाद 5 साल बाद मानदेय वृद्धि लगाई जाती है, वो अभी हमारी नहीं लगाई जा रही है। अब इस संदर्भ में आज हम यहाँ हैं कि आज हम 7 दिन से धरना हमारा यहाँ पर चल रहा है। आज हम मांग पत्र देकर ज्ञापन के माध्यम से सरकार को ये अवगत कर रहे हैं, अगर सरकार ने हमारी मांगों पर विचार नहीं किया तो हम लखनऊ GPO पार्क में उग्र आंदोलन करेंगे।